हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग को ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाने वाला हूँ, जो कि हमारे इंजीनियरिंग में खास करके मैकेनिकल और सिविल दोनों ब्रांच के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि एक तरह से कह ले कि बेस है, क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं तो आपका आगे का जर्नी इस ब्रांच के लिए काफ़ी कष्टदायी हो सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे आपको इस पूरे साल इंजीनियरिंग के इस सब्जेक्ट के थ्रू आपको गुजरना ही होगा। इस सब्जेक्ट के कंसेप्ट, इस सब्जेक्ट के टॉपिक आपको कभी भी पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आपको इंजीनियरिंग के साल में भी, और अगर आप इस सेक्टर में वर्क करते हैं, तो आपको इसके कंसेप्ट आगे चल के फ्यूचर में यूज करना होगा। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना और इस पर पकड़ बनाना, क्योंकि अगर आपका इस पर पकड़ है तो आगे चल के आपका इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आप आसानी से समझ सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट को आसानी से आप उसके एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग मैकेनिक्स का बात करें तो मैकेनिक्स मेनली एक इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं वो किसी भी स्टेट ऑफ बॉडी पर जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस होता है, फोर्सेस के कारण जो जो चेंजेज होते हैं, जो जो कंडीशन अपेयर होता है हम लोग के सामने, उसके बारे में हम लोग इसके मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अगर आप इसके डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो हम ये हो जाएगा, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट दी स्टेट ऑफ बॉडी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। तो इसमें मेनली हम लोग इसी पे फोकस करेंगे कि जब हम लोग किसी भी बॉडी पर फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में क्या क्या चेंजेज होते हैं, उसके फिजिकल बिहेवियर में क्या क्या चेंजेज होते हैं। जैसे कि वो किसी भी, जैसे ये है, इसमें अगर हम यहाँ से फोर्सेस लगा दिए तो ये आगे की तरफ मूव हो जाएगा, अगर ये रिजिड बॉडी है तो। अगर ये डिफॉर्मेबल बॉडी है तो ये इस पर फोर्स लगाने के बाद ये दब जाएगा। तो मेनली हम लोग इसमें इसी पर फोकस करते हैं। अब बात होता है कि हम लोग बॉडी पढ़ते हैं तो बॉडी भी हम लोग इसको तीन टाइप में बदलते हैं। जैसे कि एक होता है रिजिड बॉडी, एक होता है डिफॉर्मेबल बॉडी, और एक होता है फ्लूड। तो रिजिड बॉडी हम उसको कहते हैं कि अगर हम कोई इस पे फोर्स अप्लाई किए, किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्सेस हम जब इस बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो इसके फिजिकल जो ऊपर का पोर्शन जिसको हम देख पाते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे कि ये एक रिजिड बॉडी है, अगर हम इस पे यहाँ फोर्स अप्लाई किया, यहाँ फोर्स अप्लाई किया, यहाँ फोर्स अप्लाई किया, तो आप इसके शेप में कोई चेंज नहीं देखेंगे। तो ऐसे ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। तो हम जब रिजिड बॉडी का बात करते हैं तो रिजिड बॉडी वैसे बॉडी को कहते हैं जो कि फोर्स अप्लाइड होने के बाद वो अपना शेप और ये फिजिकल अपेयरेंस वो चेंज नहीं करता है। जैसे कि आप कह लीजिए एक मार्कर हो गया, एक बोर्ड हो गया, एक डस्टर हो गया, एक डोर हो गया, तो ये सब रिजिड बॉडी के अंदर आता है। तो अगर इसको हम शॉर्ट में डिफाइन करना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि डोंट चेंज इट्स शेप आफ्टर अप्लाइंग फोर्सेस।
तो मेनली हम लोग जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वो इसी रिजिड बॉडी पर हम लोग का पूरा फोकस जो है इसी सेक्शन पर होगा, क्योंकि जितना भी हम लोग इसके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अगर आप सिलेबस की बात करें तो इसमें जितना भी हम लोग जिस टॉपिक को जिस जिस बॉडी के ऊपर केस स्टडी करते हैं वो पूरे का पूरे हम लोग का रिजिड बॉडी में रिजिड बॉडी पर ही होता है। और यही रिजिड बॉडी का यूज आप लोग अगर मैकेनिकल ब्रांच से है तो आगे चल के टूम एक सब्जेक्ट होता है जो जिसका फुल फॉर्म है थ्योरी ऑफ मशीन, उसमें भी हम लोग जो है इसी बॉडी पर स्टडी करते हैं। हम लोग का पूरा फोकस रिजिड बॉडी पर होता है। तो अगर आप बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का तो हम लोग का आगे का पूरा कोर्सेज का पूरा जो बॉडी होगा वो रिजिड बॉडी ही होगा। और जब डिफॉर्मेबल बॉडी का बात करें तो ये ऐसे बॉडी होता है जिसमें कि अगर हम आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये अपना शेप चेंज कर जाता है। वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पर डिपेंड करता है कि कुछ हल्का सा चेंज करता है। जैसे कि आप अगर रबर मटेरियल लीजिएगा, अगर उसको सपोज ये मार्कर रबर का होता तो अगर हम इसको ऐसे करके डिफॉर्म करते तो ये ऐसे डिफॉर्म हो जाता है, तो ये डिफॉर्मेबल बॉडी में होता है। और कुछ अगर हार्ड है, लेस डिफॉर्मेबल है, तो उसको अगर यहाँ से प्रेस करने के बाद वो थोड़ा सा डिफॉर्म होगा। तो डिफॉर्मेबल बॉडी वही वही हो गया, चेंजेज इट्स सेल्फ, चेंजेज इट्स सेफ आफ्टर अप्लाइंग फोर्सेस। तो ये इस बॉडी के रिस्पेक्ट में जो स्टडी हम लोग करते हैं आगे के ब्रांच में, आगे के ईयर में, तो ये मेनली हम लोग सोम में पढ़ते हैं। सोम का है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कुछ लोग इसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। और ये हम लोग को मैकेनिकल एज वेल एज सिविल दोनों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये टॉपिक और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेमेस्टर वाइज भी बात करें और आगे फ्यूचर में गेट गेट पर्पस के लिए और किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए, तो ये आपको अगर आप इस दोनों ब्रांच से रिलेट करते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और जब फ्लूड का बात करें तो ये एक सेपरेट हम लोग के जैसे सोम है, जैसे टोम है, वैसे हम लोग के इंजीनियरिंग ब्रांच में एक सेपरेट एक सब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं फ्लूड मैकेनिक्स। तो इसमें मेनली हम लोग का जो फोकस होता है वो फ्लूड बॉडी पर होता है, जैसे कि वाटर हो गया। मतलब इसमें हम लोग जो फ्लूड में वाटर लिक्विड एज वेल एज लिक्विड और गैस दोनों टाइप के बॉडी को हम लोग कंसीडर करते हैं फ्लूड में। इसमें और इस फ्लूड मैकेनिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं वो लिक्विड और गैस दोनों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये फ्लूड बॉडी के हिसाब से कहलाया। तो यही हो गया। तो हम लोग का मेनली इस सब्जेक्ट के हिसाब से फोकस ओनली रिजिड बॉडी पर होगा, और ये वाला हम लोग आगे पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, और ये उसके बाद फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो चलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में कुछ जानते हैं। तो अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो अगर पूरे को हम लोग शॉर्ट में समझने के लिए डिफाइन करना चाहेंगे तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टेट ऑफ रिजिड बॉडी। इस बात को ध्यान रखें, हाईलाइट करके, कि हम लोग इंजीनियर मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी का इट इज वी स्टडी अबाउट द स्टेट ऑफ रिजिड बॉडी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ। और यहाँ पर जो फोर्सेस हम लोग यूज करते हैं, हम लोग मेनली एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण जो बदलाव होता है उसका उसका स्टडी करते हैं। तो ये दोनों आप कह सकते हैं की पॉइंट है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डेफिनेशन में, कि हम लोग इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में कारण जो जो एक्टिविटी होता है, जो जो चेंजेज होता है उसको पढ़ते हैं, और रिजिड बॉडी में पढ़ते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण रिजिड बॉडी में,
जो जो बदलाव होते हैं, जो जो कंडीशन अपेयर होते हैं, उसी के बारे में ये पूरे सब्जेक्ट होल पूरे सब्जेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या क्या करना है। तो अगर जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो ये दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला है स्टैटिक्स, दूसरा है डायनेमिक। और ये क्लासिफिकेशन आप कह लीजिए कि जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके कारण जो जैसे मोशन होता है, मोशन के कंडीशन पे ये दोनों क्लासिफिकेशन हुआ है कि अगर हम किसी रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाए और वो मूव कर गया तो वो डायनेमिक सेक्शन में आता है, और अगर कोई रिजिड बॉडी पर हम लोग फोर्स लगाए हैं तो वो अगर रुका हुआ है, जैसे सपोज जैसे कि ये है, तो इसको अगर यहाँ पे स्टेबल करना है तो ये ऊपर से कुछ फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है एमजी के कारण, और नीचे से हम लोग इसको कुछ सपोर्ट दे रहे हैं, तो ओवरऑल फोर्सेस तो अप्लाई हो ही रहा है। अगर कोई बॉडी प्रेजेंट है तो उसमें एनी टाइम फोर्सेस तो अप्लाई होगा ही, बस वो अगर एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेस है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो वो स्टैटिक होगा। तो इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि रेस्ट में हम जो बॉडी रहते हैं उसके बारे में इस पूरे टाइप में पढ़ते हैं, और इसको इक्विबिलियम कंडीशन भी कहते हैं। तो इक्विबिलियम कंडीशन में इसमें मेनली हम लोग जो है दो 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 फार्मूला हमेशा यूज करेंगे, जो कि हम समेशन ऑफ फोर्स जो है उसको हमेशा जीरो करेंगे इसमें, और समेशन ऑफ टॉर्क जो है जीरो करेंगे, जो कि एक कंडीशन है इक्विबिलियम होने का, किसी भी फोर्सेस का रेस्ट में होने का कंडीशन ये होता है कि उसका समेशन ऑफ फोर्स मतलब किसी भी डायरेक्शन में उसका फोर्स जो है टोटल ओवरऑल फोर्सेस जीरो होना चाहिए और टॉर्क जो है उसका जीरो होना चाहिए, तब वो बॉडी रेस्ट में कहलाता है। और स्टैटिक पोर्शन में मेनली हम लोग इसी रेस्ट बॉडी पर स्टडी करेंगे कि उसमें अगर कोई बॉडी रुका हुआ है, अगर कोई बॉडी टेबल पर रखा हुआ है, अगर कोई बॉडी स्लाइडिंग जैसे कि कोई बॉडी एक टेबल पर रखा हुआ है, तो इसमें कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है, नीचे कौन सा फोर्सेस लग रहा है, ऊपर कौन सा फोर्सेस लग रहा है, इधर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर कौन सा फोर्सेस लगेगा ये पढ़ेंगे, या फिर अगर कोई स्लाइडिंग सरफेस पर कोई बॉडी रखा हुआ है तो इसमें कौन कितने फ्रिक्शन लग रहा है जिसके कारण ये रुका हुआ है, तो क्योंकि अगर ये स्लाइडिंग पर है तो ये नीचे स्लाइड करने का कोशिश करेगा और एक नीचे फोर्सेस लगेगा एमजी के कारण, तो इसको बैलेंस करने के लिए कौन कौन सा फोर्सेस अपेयर हुआ है, इसमें कौन कौन सा फोर्सेस हम लोग अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं ताकि ये रुका रहे, तो ऐसे सब कंडीशन के बारे में पूरे नॉलेज लेने के लिए, पूरा जानने के लिए हम लोग स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स का स्टैटिक पोर्शन में हम लोग इसको करते हैं। और अगर डायनेमिक्स की बात करें तो जैसे कि एस्थेटिक्स में हम लोग का मेन फोकस जब रेस्ट बॉडी पर था कि बॉडी जब रेस्ट में रहते हैं तब क्या कौन कौन से कंडीशन अपेयर होता है, डायनेमिक्स में हम लोग मेन फोकस हम लोग का होगा कि जब बॉडी मोशन में होती है, अगर कोई बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई किए, सपोज जैसे कि एक एक बॉक्स है, ये एक टेबल पर रखा हुआ है, अगर ये रेस्ट में रखा हुआ है तो अगर उसके बाद अगर इस पर इधर से हम कोई फोर्स अप्लाई कर दिया और अगर इसको कोई फोर्स बैलेंस नहीं कर पाया तो ये क्या करेगा, इस साइड चलना स्टार्ट हो जाएगा और चलते 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 जब तक ये फोर्स के कारण ये फोर्स का जो इम्पैक्ट है इस बॉडी पर खत्म नहीं हो जाता, और वो एक तरह से कह लीजिए जब तक ये इक्विलिब्रियम में ये बॉडी नहीं आ जाता तब तक ये चलते रहेगा, लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन को जैसे ही सेटिस्फाई करेगा, ये फोर्स को जब कैंसिल करेगा तो ये जो है वापस अपने रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। अगर सपोज ये यहाँ पर कर दिया तो यहाँ पर रेस्ट में आ जाएगा, अगर यहाँ पर नहीं कर पाया तो और आगे बढ़ते 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 एक एक टाइम आएगा जब ये फोर्सेस का इम्पैक्ट इस बॉडी पर खत्म हो जाएगा और ओवरऑल फिर से जैसे वो रेस्ट में था वो रेस्ट में हो जाएगा। तो इस डायनेमिक पोर्शन में हम लोग मेनली स्टडी एक मोशन बॉडी पे करते हैं कि जब हम कोई रेस्ट बॉडी पर फोर्स लगाए तो तब जाके इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ और क्या क्या कंडीशन अपेयर हुआ। तो इस हम लोग का फोकस मेन इस डायनेमिक पोर्शन में यही होता है कि आफ्टर अप्लाइंग फोर्सेस जब एक बॉडी जब मोशन में आता है तो कौन कौन से इक्वेशन इक्वेशन बनते हैं, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं और कैसे कैसे हम उसके वेलोसिटी को, उसके एक्सेलेरेशन को और कितने टाइम तक चलेगा ये सब फाइंड आउट करते हैं, और कितना फोर्स लगा जिसके कारण वो चलना स्टार्ट होगा और कितना फोर्स लग जाएगा तो वो रुक जाएगा, ये सब मेनली हम लोग डायनेमिक्स में करते पढ़ते हैं। अगर डायनेमिक्स की बात करें तो ये दो पार्ट में बता हुआ, एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है काइनेटिक्स।
काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसमें हम फोर्स अप्लाई किए, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसमें क्या वेलोसिटी आएगी, कितना एक्सेलेरेशन से आगे मूव करेगा, कितने टाइम तक मूव करेगा। हम लोग मेनली इस बात पर फोकस करते हैं कि हम लोग जो मेनली इसमें अगर इसके कीवर्ड का बात करें तो हम लोग स्टडी अबाउट मोशन। एक रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाने के बाद जो जो मोशन में आने के बाद जो जो ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी प्रेजेंट होता है, जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलेरेशन वेक्टर, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये आगे की तरफ इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो वो एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन में बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग वेलोसिटी को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलेरेशन को लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और कितने टाइम तक बढ़ेगा ये हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। और अगर काइनेटिक्स की बात करें तो हम लोग ये तो पढ़ते ही है कि एक बॉडी पर फोर्स लगाने के बाद ये आगे बढ़ेगी तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा। इसके साथ साथ ये भी पढ़ते हैं कि कितना फोर्स लगाए और किस फोर्स के कारण हम लोग जो है ये बॉडी जो है चलना स्टार्ट हुआ, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें जो मेनली हम लोग ये वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और टाइम तो पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो है किस कारण से ये चलना चालू हुआ तो कॉजेज भी पढ़ेंगे। तो अगर इसका कीवर्ड लिखना चाहेंगे तो स्टडी अबाउट मोशन एज वेल एज कॉजेज ऑफ मोशन। तो इसमें हम लोग ये दोनों को कंसीडर करते हैं कि कितना कितने वेलोसिटी, कितना एक्सेलेरेशन से चल रहा है और कितने फोर्स के कारण वो चलना चालू हुआ, और कितने फोर्स लगा देंगे तो ये रुक जाएगा। तो ये पूरे काइनेटिक्स पार्ट में आता है। तो अगर क्वेश्चन की बात करें हम लोग के सेमेस्टर में, तो काइनेमेटिक्स क्वेश्चन प्राय शॉर्ट होता है, ज़्यादा लंबा नहीं जाता, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स कम होते हैं निकालने फाइंड आउट करने के। लेकिन जब काइनेटिक्स का बात करें तो ये थोड़ा लेंथी चला जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग कॉजेज ऑफ मोशन भी फाइंड आउट करना पड़ता है। वो पूछ लेता है कि कितना फोर्स लगा तो वो बॉडी चलना स्टार्ट हुआ, और इतने टाइम के बाद हम लोग कितने फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगा, तो वो ये सब पूछता है। तो इसीलिए काइनेटिक्स का क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे से समझे, अगर आप पूरे ध्यान से पढ़ेंगे और पूरे अच्छे से समझेंगे एक एक चीज को, तो आपके लिए दोनों ईजी हो जाएगा। अगर लेंथ के वाइज बताएं तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टर होता है, लेकिन काइनेटिक्स का क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है। तो अगर आपने समझ लिया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं और क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस का कि जो हम लोग के सेमेस्टर में आए और जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है। अगर स्टैटिक पार्ट में बात करें तो वेक्टर अलजेब्रा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा ये जो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग जो ये सब आगे कवर करेंगे, फोर्सेस करेंगे, क्योंकि उसमें रिजल्टेंस ऑफ फोर्सेस होता है, फोर्सेस को रिजॉल्व करना होता है, तो उसमें हम लोग को वेक्टर अलजेब्रा का कंसेप्ट यूज होता है। वेक्टर अलजेब्रा मेनली हम लोग जो 11th में पढ़े वही सेम है, हम लोग 11th में इसको पूरा एलोबरेटली पढ़े, एक चैप्टर हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग ब्रीफली इसको देखेंगे कि जो जो मेनली हम लोग उस पोर्शन को देखेंगे जो जो हम लोग यूज करने वाले हैं आगे चल के इसमें। जैसे कि अब सपोज एक बॉडी है, इसमें फोर्सेस लग रहा है, इधर से एक फोर्सेस लग रहा है, इधर से फोर्सेस लग रहा है और एक इधर से फोर्सेस लग रहा है, तो इसको जब हम रिजॉल्व करते हैं तो रिजॉल्व करके एक फोर्सेस बनाते हैं, तो उस फोर्सेस बनाने के लिए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले ब्रीफली समझेंगे मेन टॉपिक जो हम लोग यूज करेंगे उसमें वेक्टर अलजेब्रा, उसके बाद हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, इसमें जो फोर्सेस के कारण जो जो कंडीशन अप्लाई होता है, फोर्सेस के कारण जो जो चेंजेज आते हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कब मानेंगे और क्या क्या कौन कौन सा कंडीशन अपीयर होता है तब उस बॉडी को हम लोग इक्विलिब्रियम में मानते हैं। तो इस वाले टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रेजेंट होगा तो हम लोग उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में, सपोज जैसे एक बॉडी अगर यहाँ पर रखा हुआ है, अगर ये रेस्ट में है तो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन कब कहेंगे, जब ये कौन कौन से इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे कि इसका ऑल फोर्सेस जीरो करना होता है, और परफेक्ट और टॉर्क जो है इस बॉडी को जो अप्लाई हो रहा है उसको जीरो करना होता है, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में पूरे डिटेल इसमें पढ़ेंगे। फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, सब फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बहुत इलोबरेटली सीखेंगे, क्योंकि
देखा गया कि 70-80% बच्चे को ये दिक्कत होता है क्योंकि वो फ्री बॉडी डायग्राम ही नहीं बना पाते। और अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पूरे मैकेनिक्स में आप लैग करेंगे और आगे चल के भी लैग करेंगे, क्योंकि अगर आप इस बॉडी पर फोर्सेस को डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन कौन सा फोर्स कहाँ पे कैसे लग रहा है, नीचे कौन से फोर्सेस लग रहा है, ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स लगा तो उसको उसको बैलेंस करने के लिए कौन कौन से फोर्सेस लगा रहा है, तो अगर आप इसको नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे को समझने के लिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको जो है इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन सपोज एक रफ सरफेस है, एक रफ सरफेस है, अगर इस पर ये रखा हुआ है और इस पर अगर मोशन लगाए तो कितना फोर्स ये नीचे से अप्लाई करेगा ताकि ये रुका हुआ है, या फिर यहाँ यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई हुआ है तो ये कितना फोर्स नीचे इसके फ्रिक्शन ये वाले सरफेस पर लग रहा है जिसके कारण ये रेस्ट में रुका हुआ है, क्योंकि फ्रिक्शन तो हर एक जगह अवेलेबल है। और अगर कोई बॉडी रखा हुआ है या रुका हुआ है तो उसका मेनली रीजन आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन नीचे अप्लाई हो रहा है तो इसके कारण वो रेस्ट में है। तो इसमें इसके बारे में पूरे डिटेल्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसके बाद ये ट्रस एंड फ्रेम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम लोग के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए जिसमें आपको ट्रस और फ्रेम ना दिखे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और उसके बाद हम लोग वर्चुअल वर्क के बारे में पढ़ेंगे और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इस पोर्शन में इंपॉर्टेंट अगर आप करना चाहें तो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव या फ्रिक्शन और ट्रसेस इसके क्वेश्चन आपको दिखेंगे, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप ये सब सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन पता नहीं है तो आप ट्रसेस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाने जाते हैं जानते हैं तो आप फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सब इंटरलिंक है, लेकिन क्वेश्चन आपको जो है इस दोनों टॉपिक से ज़्यादा एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और अगर डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक हम लोग ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, तो पहला टॉपिक रहेगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब कि अगर एक बॉडी रखा हुआ है इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी ऐसे स्लाइड होते हुए आगे बढ़ती है, तो इस मोशन को हम लोग ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में सीधे जाते रहे। तो इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन मोशन कैसे होता है, क्यों होता है, और क्या क्या हम लोग कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करते हैं और क्या क्या कंडीशन हम लोग इससे निकाल पाते हैं वो हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन हुआ कि एक एक सर्कुलर डिस्क है ये आगे रोटेट कर रहा है, तो इसके बारे में जो जो कंडीशन आते हैं तो वो उसके पूरा डिटेल हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे कि जो रोटेट करते हैं वो रोटेशन हो गया कि एक एक्सिस के अबाउट जो ये रोटेट कर रही है तो उसमें उसके उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग ये रोटेशन में पढ़ेंगे। और जनरल मोशन में क्या होता है कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों कंबाइन हो जाता है, मतलब सपोज जैसे कि एक डिस्क है ये रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट और आगे भी बढ़ रहा है, दोनों काम हो रहा है, ये रोटेट भी कर रहा है आगे भी बढ़ रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं तो एक ट्रेन का पहिया रोटेट भी करता है और आगे भी बढ़ता है, तो ये जनरल मोशन में आता है क्योंकि वो अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट भी हो रहा है और ये आगे भी बढ़ रहा है, तो ये वाला पोर्शन जनरल मोशन में आता है जिसमें कि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। इसलिए एक तरह से कहिए कि आप ये दोनों का मिक्सर है ये टॉपिक। और उसके बाद हम लोग इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन पढ़ेंगे और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे और इम्पैक्ट एंड कोलिजन पढ़ेंगे, जिसमें कि अगर कोई बॉडी एक दूसरे से कोलाइड हो जाता है, एक दूसरे से टकरा जाता है आके, तो वो कितना फोर्सेस एक दूसरे को ट्रांसफर करता है और इसका इफेक्ट उस पर क्या पड़ता है, तो मेनली हम लोग इसमें इम्पैक्ट एंड कोलिजन पढ़ेंगे।